हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 5 में कार, ऊर्जा और शक्ति, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेकर आया हूँ। इसके पहले भी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है बच्चों, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और आप लोगों का डिमांड रहता है उस आधार पर काम करते हैं। बस आप लोगों का एक छोटा सा प्यार चाहिए होता बच्चों, लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, यदि आप लोगों को 11th का फिजिक्स का नोट्स लेना है तो 100 रुपीज़ में प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149, 9689295149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है शक्ति और ऊर्जा में अंतर। देखिए, अब इनका मात्रक विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। विमीय सूत्र भी आप लोग निकालना सीखें, क्योंकि मैं सब कुछ टिप्पणी पूरा समझाया हूं, आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल भी जाएगा। कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए, कभी कभी तो यही आ जाता है एक नंबर में, तो कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए, ये जो लिखा हुआ है, या कभी कभी सिद्ध करने के लिए आ जाता है, या सीधा बोलता है कार ऊर्जा प्रमेय सिद्ध कीजिए, ये ना भी दिया रहे तो ये आप लोगों को तैयार करना है। इस प्रश्न को देखिए, संघट किसे कहते हैं? प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट में अंतर। कभी कभी अंतर ना पूछकर इनकी विशेषताएं पूछ दिया जाता है कि प्रत्यास्थ संघट किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको भी आप तैयार कर लेना, इनकी विशेषताओं को, कि प्रत्यास्थ संघट की विशेषताएं। संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। या बच्चों, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। इस चैप्टर से कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, सदिश गुणनफल के आधार पर बल दे देता बच्चों और विस्थापन दे देता, बोलता है कितना कार है, तो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना पड़ता है। तो इससे संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़ लेना, चाहे दो ही प्रश्न पढ़ना, लेकिन ये आप तरीका पढ़ लेना कि दो सदिश है, उनका अदिश गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। जैसे बल का मान दे देगा 3i + 2j + 5k, डी का मान दे देगा 2i + 5j - 3k, उसका आपको I का I से गुणा, J का J से, K का K से गुणा करना रहता है। इस प्रकार से आंकिक प्रश्न पूछ दिया जाता है। कार्य किसे कहते हैं? इसके प्रकार, धनात्मक कार, शून्य कार, ऋणात्मक कार, ये तीनों कार को आपको लिख लेना है, इसके उदाहरण जरूर आप पढ़ लेना, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, हालांकि ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेकिन यहाँ पर भी आप पढ़ लो। बाकी बच्चों, इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ, तो यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल पे तो जुड़ना ही है, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस का न्यू वर्जन ऐप आ चुका है, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि आप 11th क्लास में, तो आगे 12th क्लास की भी तैयारी कराई जाएगी, तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन करना ना भूलें। ओके बच्चों, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।